इंटीरियर में भी जाएंगे, जैसे यहाँ पानीपत में इंटीरियर से आएंगे ना रात को, तो तुम्हारे आएंगे जब सारे इंटीरियर से आएंगे, फिर जो है कुरुक्षेत्र से फिर इंटीरियर में जाएंगे, तो कहीं इंटीरियर में कहीं जहाँ आएंगे। और इस यात्रा का मकसद जो है वो कोई वोट लेने का नहीं है, ये तो तीन मकसद हैं। एक तो बेरोजगारी के खिलाफ, एक महंगाई के खिलाफ जो हर व्यक्ति त्रस्त होते हैं, और जो सवाल आता है भाई भारत तो जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ने है, भारत जुड़ा हुआ है लेकिन उस ताकतें आपस में टकराव पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी उसमें सब धर्मों ने, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, और सब जातियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में। और जब ही हमारा देश मजबूत हुआ, और देश मजबूत रखना देखिए, महंगाई और सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक जनचेतना, भी आपस में प्यार से ही, मोहब्बत से ही हम आगे जा सकते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करके देश आगे नहीं जा सकता, जनचेतना। कृषि वेणुगोपाल जी की तरफ से पत्र भी लिखा गया था अमित शाह जी को, उनकी सुरक्षा को लेकर कि दिल्ली में भारी चूक हुई जब हरियाणा से प्रदेश की यात्रा दिल्ली में, तो अब हरियाणा में दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या आप आग्रह करेंगे हरियाणा सरकार से? नहीं, हमने पहले भी कहा था, तो मेरी डीजीपी से भी बात हुई थी सब, तो ये जो जहाँ की बात कर रहे हैं वो दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जब एंट्री करी उस टाइम जो अफड़ा थपड़ी मच गई। बदरपुर पर भी लाल किला, हाँ दोनों जगह पर। हाँ बदरपुर और लाल किला तो मैं नहीं था, लेकिन बदरपुर में ये हुआ, बदरपुर धक्का फेल हुआ काफी। पहले तो आप वैसे ध्यान दे चुके हैं बिजली काट है वो तो मैंने खुद मंत्री ने मान लिया था विधानसभा में, प्री एग्रीड कि काटी, हालांकि जो उन्होंने कारण दिए थे उससे मैं सहमत नहीं हूँ, उन्हें तो खंबे पे चढ़ गए, नेवर हैपेंड, लेकिन खुद ही नहीं मान लिया उन्होंने बिजली काटी। आपको लगता है कि भाजपा से बुखलाई हुई है भारत जोड़ो यात्रा पर? हाँ तो है ही, दिख साफ जाहिर है, जितना जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है हर वर्ग से, उससे साफ जाहिर है। सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया है कि 130 से ज्यादा बार राहुल गांधी की तरफ से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसको लेकर क्या है? क्या कहा? 113 बार, 130 से ज्यादा बार 2020 के बाद राहुल गांधी जी की तरफ से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिस तरीके से पत्र लिखा गया था सुरक्षा को लेकर उसी का जवाब दिया गया है। जवाब सवाल का सवाल नहीं है, सवाल नहीं होता है यार, सवाल सुरक्षा का है, सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है। सर, फर्स्ट फेज में कितने हरियाणा के लोग जुड़े और सेकेंड फेज में कितना एक्सपेक्टेड है? भारत जोड़ो यात्रा में फर्स्ट फेज में लगभग कितने लोग जुड़े और सेकेंड पूरा जनसमूह जितने भी हैं, मतलब लाखों आदमी आए, लाखों आदमी आएंगे, कोई नंबर एक एक कर थोड़ा काउंट होंगे इन लैक्स। कितने किलोमीटर चली होगी में वो 135 किलोमीटर का, 130 है, 130 130 किलोमीटर। सर, दिग्विजय जी ने बात बताई थी कि जब राहुल गांधी यहाँ पर यात्रा पे थे तो दो लोग उनके टेंट में घुस गए थे जबरदस्ती, और बाद में कहा गया शायद वो सीआईडी के लोग हो सकते हैं। हो सकता है जो रिपोर्ट करे, जो भी एफआईआर दर्ज कर रखी हो। इसमें कोई प्रोमिनेंट चेहरे दूसरे चरण में शामिल हो रहे, जैसे राजेंद्र के अलावा पार्टी के अलावा भी लोग शामिल हो रहे, खिलाड़ी गुरु सैनिक आएंगे, जैसे वहां पूर्व सैनिक तो वहां सबसे चर्चा हुई, हर वर्ग के लोग मिलेंगे, किसान भी मिलेंगे, खिलाड़ी भी मिलेंगे,
वो मतलब हर वर्ग से वो बात करते हैं, साथ चलते हैं, हर वर्ग की समस्या को जानते हैं, जानना करते हैं और अपनी बात विचार बताते हैं, हर वर्ग से आएंगे। इसके अलग मेरा सवाल है, पंचकुला के लोगों में सब चर्चा है नशे का कारोबार और मुक्काबार सर नेताओं के रिश्तेदार चलवा रहे हैं, इसका मुद्दा सर क्या मतलब नशे का कारोबार नशे का कारोबार, वो तो आप बात करूंगा ना मैं, वो तो आप इश्यू टेक अप करूंगा। अब तो विधानसभा खत्म हो गया, उसके बाद विधायक है हरियाणा में पंजाबी खत्म करने का काम कर रहा क्या, कौन कह रहे हैं आपके विधायक है, उन्होंने एक बयान दिया था विधानसभा में बताया कि पंजाबी भाषा को खत्म करने का आदेश हरियाणा सरकार को, पता नहीं पता है उनके उसमें आया कोई, उनके इनकी बात तो उनसे पूछते ना, जितने भी टीचर्स की भर्ती आई है टीचर्स की भर्ती में था क्यों भर्ती नहीं हो रही पंजाबी लैंग्वेज की ना उर्दू लैंग्वेज की हो रहे, आप चाहते हैं कि हरियाणा में पंजाबी, हमने तो अपने समय में सेकंड लैंग्वेज डिक्लेयर किया था पंजाबी, चाहता हूँ जब भी तो सेकंड लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, आप असेंबली की बात शुरू करें। देखिए ये सेशन हुआ और उसमें हमने बहुत सारे एडजॉर्नमेंट कॉलिंग अटेंशन वगैरह दिए विभिन्न समस्याओं को लेके, तो सरकार का रवैया नॉर्मल रहा और जो मुख्य समस्याएं हैं जिनको मुजाकर करना चाहते थे वो उन्होंने किया, क्या नहीं जैसे कलाबेद चौटाला का एडमिट करके हाउस में ले करके उन्होंने कहा सब ज्यूडिस है, हालांकि ये अनपार्लियामेंट्री है, कभी भी ले होने के बाद ऐसा नहीं हुआ, तो इस बात से मैंने सजेस्ट किया था भाई इनको पढ़ने दो, देन गवर्नमेंट का रिप्लाई सब ज्यूडिस है हम नहीं देना चाहते जवाब, हालांकि जवाब पहले आ चुका था। इसी प्रकार से जैसे गन्ने की थी, गन्ने की कीमत जो है 1 रुपया नहीं बढ़ाया नहीं जबकि लागत बहुत बढ़ा दी है, हमारे समय में 2005 और 14 के बीच में गन्ने की जो है कीमत 165% बढ़ाई गई, 117 थी और 310 पे हमने छोड़ दिए, 117 रुपए प्रति क्विंटल थी, 310 पे हम छोड़ दिए, और इनके पूरे कार्यकाल में केवल 17%, मतलब हमारे कार्यकाल में एवरेज पर ईयर जो है शुगर केन की कीमत में जो इनकी जो 18% हुआ और इनके कार्यकाल में 2% हुआ 2.1। इस वास्ते आज जो किसान उनको पेमेंट भी नहीं मिल रही बहुत जगह, जैसे नारायणगढ़ का मिल है उसमें लोग बैठे हैं और सारे कॉपरेटिव मिल्स के धरने में बैठे हैं क्योंकि एक तो मिल इन्होंने लेट चलाया और गन्ने का जो है कीमत जब तक तय नहीं करते जब तक पेमेंट नहीं करते, अब 23 तारीख को तय की उन्होंने, तो किसान बड़ा भारी ट्रबल में और 1 पैसा नहीं बढ़ाया। तो इस वास्ते हमने वॉकआउट किया और हमने कहा कम से कम पंजाब के बराबर तो कर दो, पंजाब हमारे से कोई अलग थोड़ा ही है, वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और एक समय के उस टालने के लिए कह दिया 15 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद किसान क्या करेगा। इसी प्रकार से हमने ये क्राइम अगेंस्ट वुमन के लिए कहा और ये स्टूडेंट्स थे MBBS के जो जिनसे कहा हमने समझौता कर लिया, ये सिर्फ प्रेशर की वजह से मजबूरन समझौता था, जो इन्होंने बॉन्डिंग सिस्टम किया है उससे हरियाणा का कोई गरीब या मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, इसी वास्ते कई सीट खाली है। मेरा फिर से ये आग्रह है कि भाई वापिस लें इसको, ये तो
कोई एजुकेशन जो है वो प्रॉफिट मेकिंग वो नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि सरकार को भी निशाने पर लेते नजर आए और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी उन्होंने बात कही है, दावा किया कि अगली बार लाखों की संख्या में लोग इस यात्रा से जुड़ेंगे और यात्रा का मकसद वोट लेना नहीं है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ ये यात्रा है और इस यात्रा के माध्यम से भारत जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिसका कि बहुत समर्थन हो रहा है, लोग बहुत समर्थन कर रहे हैं।